आदिवासी बाहुल्य कोरबा जिले में कुपोषण के खिलाफ लड़ाई के बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से गंभीर कुपोषित बच्चों की सतत निगरानी और पोषण पुनर्वास केंद्रों में इलाज के माध्यम से कुपोषण की दर में काफी कमी आई है। कोरोना के कारण आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर पोषण आहार वितरित किया जा रहा है। मुड़ापार स्थित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में लगातार अपनी सक्रियता बनाए रखते हुए हर घर तक पोषण आहार पहुंचाया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ज्योति कपल ने बताया कि प्रत्येक पहले और तीसरे मंगलवार को बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं के साथ ही शिशुवती महिलाओं को पोषण आहार वितरित किया जाता है, जिससे उनका स्वास्थ्य काफी बेहतर है। बच्चों को 1200 ग्राम का पोषण आहार दो बार मिलता है, 15-15 दिन, पहला मंगल और तीसरा मंगलवार को दिया जाता है। उनको खान पान में बदलाव का बताया जाता है कि कैसे कैसे उनको पोषण आहार लेना है, कैसे दिया जाता है उनको। बाकायदा यहाँ स्वास्थ्य शिक्षा जब प्रोग्राम होता है तो बुला के उनका कार्यक्रम में उनको समझाया जाता है कि कैसे बच्चों को अपना वजन बढ़ाने के लिए क्या क्या खाद्य सामग्री उनको देनी है और ये दलिया को किस तरह बना के उनको खिलाना है, विभिन्न तरीके से ये सिखाया जाता है। पोषण आहार से लाभान्वित तराना बेगम और ललिता चौहान ने बताया कि उनका बच्चा जन्म से ही गंभीर कुपोषित था, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सलाह के बाद उसे पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराया गया। साथ ही उसे लगातार पोषण आहार दिए जाने से बच्चे की हालत में लगातार सुधार हो रहा है। आंगनबाड़ी से हमें बहुत मिला है, सहायता मिला है, जाकर के 15 दिन हम हॉस्पिटल में रह के भी आए हैं और वहाँ भी बहुत सुविधा मिला और भी बच्चों का वजह से फिर से भी बुला रहे हैं, लेकिन हम जाने नहीं पा रहे हैं। हर मंगलवार को दलिया मिल रहे हैं, बच्चे के लिए ले जाते हैं, बच्चे लोग खाते पीते हैं और बच्चे का पहले से बहुत सुधार आया है, लेकिन फिर भी मैडम बोल रही कि अभी कुपोषित में ही कहला रहा है बच्चा। बच्चा मन के है ना, मन को बहुत अच्छा सुविधा है, अच्छा सुविधा दे है। काबर की घर में तो मतलब जूता काम होती होती खवा पिला नहीं पाए, तो यहाँ 15 दिन रख के खिलाई पिलाई का अच्छा सुविधा दे है। बहुत अच्छा जो योजना बनाया है वो बहुत अच्छा है। गौरतलब है कि शासन की इस महत्वपूर्ण योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में लगातार कुपोषित बच्चों की पहचान कर उन्हें सुपोषित किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है।